चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। फाइंड के इफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स पी एंड क्यू हैज स्लोप 1/2। यानी कि यहाँ पे क्या दिया है, एक लाइन है जो पास हो रही है पॉइंट पी और पॉइंट क्यू से, ओके और ये जो लाइन है उसका स्लोप हमको दिया है 1/2। यानी कि स्लोप को हम लोग डिनोट करते हैं बाय यूजिंग स्मॉल लेटर m ना, तो दैट इज m इज इक्वल टू 1/2। और हमको क्या फाइंड करना है, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। एंड व्हाट इज k, k क्या है जरा ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट q है ना उसका जो y कोऑर्डिनेट है ना वो क्या है, k है। दैट इज हमको ये पॉइंट Q के Y कोऑर्डिनेट की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज K की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। और देखो क्या क्या दिया है, ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट से -12, -3 और ये जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट से 4, K, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे ये K की वैल्यू, बहुत ही सिंपल है, हम क्या करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला यूज करेंगे, सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट करेंगे और हम के की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो फटाफट लिखते हैं क्या क्या गिवन है। जैसे कि हमको दिया है स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू, ये हमको गिवन है। एंड हम लोग स्लोप को कैसे डिनोट करते हैं, बाय यूजिंग स्मॉल लेटर m, दैट इज ब्रैकेट में लिख देंगे m एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, 1/2, ओके और हम क्या करेंगे लेट ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 लेंगे और ये जो पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x2 y2 लेते हैं, ठीक है। नाउ वी नो दैट, हमको क्या पता है कि स्लोप ऑफ द लाइन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो अभी हम लोग लिखेंगे। वी नो दैट स्लोप ऑफ द लाइन PQ, that is, जिसको हम लोग M से भी डिनोट करते हैं, which is given by what? Y2 minus Y1 upon X2 minus X1. ये है हमारा स्लोप का फॉर्मूला। अब सारे वैल्यूज को हम अच्छे से पुट करेंगे। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, स्लोप ऑफ द लाइन PQ हमको दिया है ना, वो कितना दिया है 1/2, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे 1/2 लिखेंगे। ये जब तक नहीं लिखोगे तब तक हमको k की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, ठीक है। अब y2 क्या है, देखो y2 है हमारा k माइनस y1 क्या है हमारा -3, तो -3 हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे अपॉन x2 क्या है 4 माइनस x1 क्या है -12, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -12। अब इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे, चलो करते हैं साथ साथ में। तो 1/2 इक्वल टू, यहाँ पे देखो k, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 3 अपॉन यहाँ पे 4, ये माइनस माइनस हो गया प्लस, दैट इज 4 प्लस 12, ओके। नाउ आगे सॉल्व करेंगे, दैट इज 1/2 इज इक्वल टू k प्लस 3 अपॉन यहाँ पे देखो 4 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 16। अब देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 16 डिवाइड में है इसको यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ओके। वैसे ही ये जो 2 यहाँ पे डिवाइड में है उसको वहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 1 × 16 इज इक्वल्स टू 2 × k + 3, ओके समझाइए। देखो मैं बताती हूँ, ये देखो ये 16 यहाँ पे क्या था, डिवाइड में था, तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, दैट इज 1 × 16 इक्वल टू, यहाँ पे ये 2 क्या है, यहाँ पे ये 2 जो है एक्चुअली में हम 2 को अगर उधर नहीं शिफ्ट करते तो भी चलता, ठीक है, अगर नहीं करते तो भी चलता। देखो बताती हूँ कैसे, 2 को यहाँ पर ही रहने दो, ठीक है, 2 को यहाँ पर ही रहने दो, 2 को हम लोग यहाँ पर ही रखेंगे और ये ब्रैकेट हटा दिया, तो हमने क्या किया, ये जो हमारा 16 यहाँ पे डिवाइड में है उसको यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये मल्टीप्लाई में हो गया। अब देखो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, ओके, दैट इज 1 × 8 हो जाएगा 8 इक्वल टू के प्लस 3, के की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो अब ये प्लस 3 को यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, दैट इज 8, ये प्लस 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3 इज इक्वल्स टू के, तो 8 - 3 क्या होगा 5, दैट इज 5 इज इक्वल टू के, यानी कि हमको के की जो वैल्यू मिली, के की जो वैल्यू मिली वो क्या मिली, 5 मिली, ठीक है। दिस इज अवर आंसर, ये है हमारा आंसर। तो यानी कि जो हमारा पॉइंट Q है उसका जो Y कोऑर्डिनेट है एक्चुअली में उसकी वैल्यू जो है वो क्या है, 5 है, ठीक है। चलो इतना हमको नहीं लिखना है, हमको बस ये लिखना है द वैल्यू ऑफ K इज 5, तो चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करेंगे नेक्स्ट वन।
तो चलो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, शो दैट लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स सी एंड डी। यानी कि यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है जो जॉइन कर रही है पॉइंट ए और पॉइंट बी को, और एक दूसरी लाइन है जो जॉइन कर रही है पॉइंट्स सी एंड डी को, ठीक है, सी एंड डी को। और हमको क्या प्रूव करना है यहाँ पे या शो करना है कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ो, क्या बोला है, शो दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज पैरेलल टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स सी एंड डी। ओके, यानी कि हमको शो करना है कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। बहुत ही सिंपल है। देखो हमने एक कॉन्सेप्ट किया था कि अगर दो लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो उनका जो स्लोप होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन ए बी यानी कि ये लाइन का स्लोप निकालेंगे और स्लोप ऑफ लाइन सी डी निकालेंगे। ओके, तो अगर हमको ये दोनों लाइन के स्लोप्स क्या मिले, इक्वल मिल गए, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, लेट ये जो हमारा ये जो हम क्या कर रहे हैं, ये जो लाइन ए बी है उसका स्लोप फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट ए है उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसको हम एक्स वन वाई वन लेंगे, और ये जो पॉइंट बी है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम लोग एक्स टू वाई टू लेंगे। ठीक है, और फिर स्लोप का फॉर्मूला लिखेंगे, उसमें सारे वैल्यू उसको पुट करेंगे और स्लोप फाइंड करेंगे। तो चलो लेट ले लेते हैं कि ये जो पॉइंट ए है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स वन वाई वन लेते हैं, और ये जो हमारा पॉइंट बी है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स टू वाई टू लेते हैं। तो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप का फॉर्मूला लिखेंगे, दैट इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इक्वल टू, वाई टू क्या है, देखो वाई टू है फाइव माइनस वाई वन, वाई वन क्या है एट, अपॉन एक्स टू क्या है फाइव माइनस एक्स वन क्या है फोर। ठीक है, इसको थोड़ा सा बरोबर लिख देती हूँ, चलो फटाफट सॉल्व करेंगे। फाइव माइनस एट होता है माइनस थ्री, अपॉन फाइव माइनस फोर होता है वन, तो दैट इज इक्वल टू माइनस थ्री। ठीक है, माइनस थ्री हमारा आंसर आया। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्लोप ऑफ द लाइन ए बी इज इक्वल टू माइनस थ्री, इसको इक्वेशन नंबर वन देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो लाइन सी डी है उसका स्लोप फाइंड करेंगे। ठीक है, नाउ अभी हम क्या करेंगे, लेट लेते हैं, लेट ये जो पॉइंट सी है उसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको हम एक्स वन वाई वन लेंगे, और ये जो पॉइंट डी है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स टू वाई टू लेंगे। ठीक है, लेट ये जो पॉइंट सी है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स वन वाई वन लेते हैं, और ये जो पॉइंट डी है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स टू वाई टू लेते हैं। ओके, चलो अभी हम फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन सी डी एंड विच इज गिवन बाय अवर फॉर्मूला, दैट इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, तो दैट इज इक्वल टू वाई टू, वाई टू क्या है देखो सेवन, माइनस वाई वन, वाई वन क्या है फोर, अपॉन एक्स टू, एक्स टू क्या है वन, माइनस एक्स वन, एक्स वन क्या है टू। तो यहाँ पे देखो सेवन माइनस फोर क्या होगा, थ्री होगा, बरोबर, थ्री अपॉन वन माइनस टू क्या होगा, माइनस वन होगा, बरोबर ना, वन माइनस टू क्या होगा माइनस वन, तो माइनस वन। ओके, तो थ्री अपॉन माइनस वन मतलब क्या, माइनस थ्री, थ्री अपॉन माइनस वन मतलब क्या, माइनस थ्री, तो इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर टू। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि स्लोप ऑफ द लाइन ए बी जो है वो मिला है माइनस थ्री, और स्लोप ऑफ द लाइन सी डी जो है वो भी क्या मिला है, माइनस थ्री। यानी कि अगर कोई भी दो लाइन के स्लोप क्या है, इक्वल है, यानी कि वो दो लाइन्स जो है, वो दो लाइन्स जो है वो क्या है, हमारे पैरेलल लाइन्स है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन
एंड इक्वेशन नंबर टू, स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी, देयरफॉर लाइन ए बी, लाइन ए बी इज पैरेलल टू, ठीक है ये पैरेलल वाला सिंबल इज पैरेलल टू लाइन सी डी, ओके लास्ट में हम लोग ऐसे लिखेंगे या पूरे सेंटेंस में भी लिख सकते हो, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी, हो गया ओके तो चलो अभी हम करेंगे 11th वन। तो 11th वन देखो क्या है, शो दैट पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैलरोग्राम, यानी कि हमको क्या शो करना है कि ये जो चारों पॉइंट्स जो है वो है वर्टाइसेस किसके, पैलरोग्राम के। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, दो वे में शो कर सकते हैं। नंबर वन वे क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं कि ये जो चारों पॉइंट्स है वो क्या है, वर्टाइसेस है पैलरोग्राम के। एंड सेकेंड वे जो है वो है स्लोप ऑफ द लाइन का जो फॉर्मूला है उससे, ठीक है। तो आई थिंक जो बेस्ट रहेगा हमारे लिए वो रहेगा स्लोप ऑफ द लाइन के फॉर्मूला के मदद से। तो यहाँ पे देखो हमको क्या शो करना है कि ये जो पॉइंट पी है, ये जो पॉइंट क्यू है, ये जो पॉइंट आर है, ये जो पॉइंट एस है, यानी कि ये जो हमारे चारों पॉइंट्स है वो क्या है, वर्टाइसेस है किसके, पैलरोग्राम के, ठीक है। तो हम कैसे शो करेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, देखो मैं बताती हूँ, स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू, उसके बाद हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन क्यू आर, ओके फिर हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन आर एस, और फिर हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन पी एस, ओके पी एस भी बोल सकते हो या एस पी भी बोल सकते हो। तो जैसे कि हमको एक कॉन्सेप्ट पता है कि अगर कोई भी दो लाइन के स्लोप क्या आए, इक्वल आए, मतलब वो लाइंस क्या हो जाएगी, हमारे पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो हमको ये जो स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू और स्लोप ऑफ द लाइन आर एस जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। वैसे ही हमको स्लोप ऑफ द लाइन क्यू आर और स्लोप ऑफ द लाइन पी एस जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे कि ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। और जैसे कि हमको पता है कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इसका मतलब वो जो क्वाड्रिलेटरल होगा वो होगा हमारा पैलरोग्राम। और इससे हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि ये जो चारों पॉइंट्स है वो वर्टाइसेस है किसके, पैलरोग्राम के, ओके। तो ऐसा पूरा हमारा ये क्वेश्चन सॉरी आंसर चलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम फटाक से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिख देंगे हमारे जो पॉइंट्स है उसको, तो पॉइंट पी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है 1, -2, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स है 5, 2, पॉइंट आर का कोऑर्डिनेट है 3, -1 और पॉइंट एस का कोऑर्डिनेट है -1, -5। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन का फॉर्मूला लिख देंगे। तो स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन बाय व्हाट, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। ये फॉर्मूला को हम लोग स्टार्टिंग में ही लिख देंगे क्योंकि ये फॉर्मूला की ज़रूरत हमको बार बार पढ़ने वाली है, ओके। तो चलो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू। तो इसके लिए देखो हमको क्या करना पड़ेगा, कोई भी हमारा जो ये पॉइंट पी है, ये जो हमारा पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग को x1 y1 मानना पड़ेगा। इसको हम लोग रफ में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 मानेंगे, ओके सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे मैं रफ में लिख देती हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1 y1 मानेंगे, और ये जो पॉइंट क्यू है उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x2 y2 मानेंगे, ठीक है। ये आगे जाके काम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू। तो यहाँ पे देखो हम लोग ने ऑलरेडी स्लोप का फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो बार बार हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी हम सारे वैल्यूज़ को अच्छे से पुट करेंगे। तो यहाँ पे y2 देखो क्या है, 2 - y1 क्या है, देखो y1 है -2, ओके अपॉन x2 क्या है 5 माइनस x1 दैट इज x1 है 1। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 - - हो गया प्लस 2 अपॉन 5 - 1 होगा 4। तो 2 + 2 क्या हो जाएगा 4,
4 अपॉन 4, दैट इज 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, दैट इज इक्वल टू 1. यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू क्या मिला हमको, 1 मिला. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे. ठीक है, नाउ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, देखो स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन क्यू आर फाइंड करेंगे. ठीक है, क्यू आर. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रफ में लिखना, ठीक है, ये पेंसिल से कहीं पे लिख दो. कोई भी एक पॉइंट जो है इसमें से, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स वन वाई वन मान लेंगे. ठीक है, तो ये जो हमारा पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है 5, 2, उसको हम लोग एक्स वन वाई वन मान लेंगे. और जो हमारा पॉइंट है R, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग एक्स टू वाई टू मान लेंगे. ठीक है, ये रफ में लिखना, आप बाद में इसको पेंसिल से लिखा है तो रफ भी कर सकते हो. तो चलो अभी हम, ये हमारा स्लोप का फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है तो इधर लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. तो यहाँ पे देखो एक्स टू क्या है, माइनस वाई टू. हमारा स्लोप का फॉर्मूला देखो वाई टू, तो वाई टू क्या है माइनस वन माइनस वाई वन, वाई वन क्या है टू. ओके, अपॉन एक्स टू है 3 माइनस एक्स वन है 5. सॉल्व करेंगे इसको, माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 प्लस 2 होगा 3, ग्रेटर नंबर साइन है माइनस इसलिए माइनस, अपॉन 3 माइनस 5 क्या होगा माइनस 2. ये माइनस हो गया कैंसिल, 3 अपॉन 2 बच गया. ठीक है, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2. चलो नाउ हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन आर एस फाइंड करेंगे. ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे तो यहाँ पे देखो स्लोप ऑफ द लाइन आर एस फाइंड करने वाले हैं. तो यहाँ पे हमारा स्लोप का फॉर्मूला जो है वहाँ पे हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे. ठीक है, तो वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हमारा फॉर्मूला है. तो वाई टू इज इक्वल टू माइनस फाइव माइनस वाई वन है हमारा माइनस वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज एक्स टू है माइनस वन माइनस एक्स वन है 3. ओके, इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस फाइव माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 अपॉन माइनस माइनस प्लस, दैट इज 1 प्लस 3 होगा 4, ग्रेटर नंबर साइन माइनस. तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया माइनस, तो 5 माइनस 1 होगा 4 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस है इसलिए माइनस, अपॉन माइनस 4. ये माइनस कैंसिल, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, दैट इज 1. ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे. नाउ लास्ट हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ द लाइन एस पी, यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन एस पी हम फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, तो स्लोप ऑफ द लाइन एस पी हम फाइंड करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या है, वाई टू माइनस वाई वन, दैट इज वाई टू है माइनस टू माइनस वाई वन है माइनस फाइव अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, दैट इज एक्स टू है 1 माइनस एक्स वन है माइनस वन. ओके, इक्वल टू सॉल्व करेंगे, माइनस टू माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 अपॉन 1 माइनस माइनस हो गया प्लस 1 इज इक्वल्स टू, माइनस प्लस होगा माइनस, तो 5 माइनस 2 होगा 3 एंड ग्रेटर नंबर साइन प्लस है इसलिए प्लस. ठीक है, प्लस नहीं लिखा तो भी चलेगा. अपॉन 1 प्लस 1 होगा 2, दैट इज इक्वल, मतलब कि 3 अपॉन 2 ही हमारा आंसर है. इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4. तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1, 2, 3, 4 को अच्छे से ऑब्जर्व करो. यहाँ पे देखो जो स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू है और जो स्लोप ऑफ द लाइन आर एस है वो क्या मिला है हमको, सेम मिला है. बरोबर, ये दोनों लाइन का जो स्लोप है वो क्या 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 मिला है हमको, 1, 1 मिला है, 1 और 1. और जो स्लोप ऑफ द लाइन क्यू आर है और जो स्लोप ऑफ द लाइन एस पी है वो हमको क्या मिला है, 3 अपॉन 2 और 3 अपॉन 2 मिला है. यानी कि यहाँ से हम क्या बोल सकते हो, देखो कैसे हम लोग इसको लास्ट में लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 और 3 से क्या मिला हमको, स्लोप ऑफ द लाइन पी क्यू इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप ऑफ द लाइन आर एस. ओके, तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड करेंगे कि ये जो लाइन पी क्यू है, ये जो लाइन पी क्यू है वो क्या है, पैरेलल है लाइन आर एस को. ये कॉन्सेप्ट हमको पता होना चाहिए कि अगर कभी भी दो लाइन के स्लोप हमको क्या मिले, इक्वल मिले, इसका मतलब वो दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है. ठीक है, ये हमेशा याद रखना. नाउ अभी आगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4, इक्वेशन 2 और 4 को अच्छे से देख लो. तो क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन क्यू आर, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, स्लोप ऑफ द लाइन क्यू आर इज इक्वल टू स्लोप
ऑफ द लाइन एसपी, यानी कि जो लाइन क्यूआर है दैट इज व्हाट पैरेलल टू लाइन एसपी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो लास्ट में इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, यानी कि अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस और उसमें हमको क्या मिला, जो लाइन पी क्यू है वो है पैरेलल एस आर को और जो लाइन क्यू आर है वो क्या है पैरेलल पी एस को, है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि जो यहाँ पे इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू व्हाट लाइन आर एस एंड लाइन क्यू आर इज पैरेलल टू व्हाट लाइन एस पी। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस जो है वो क्या है, इज अ पैलोरोग्राम, इज अ पैलोरोग्राम। अब ऐसा क्यों, क्योंकि वी नो दैट कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं पैलोरोग्राम के वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, है ना। अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, इसका मतलब वो जो क्वाड्रिलेटरल है हमारा वो क्या है, पैलोरोग्राम है। ठीक है, तो ये हमने शो कर दिया। तो यानी कि हमने यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज किया है, स्लोप ऑफ द लाइन का कॉन्सेप्ट यूज किया है। आप चाहो तो डिस्टेंस फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट भी यूज कर सकते हो। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज करने का, देखो मैं हिंट देती हूँ। क्या करो, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू निकालो। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमको आता ही है ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू निकालेंगे, फिर नेक्स्ट निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड आर, ओके, फिर निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड एस, और फिर लास्ट में हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड एस। तो यहाँ पे देखो हमको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड आर, ये दोनों डिस्टेंस सेम मिलेगा और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस सेम मिलेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो यानी कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा, पैलोरोग्राम है, है ना। तो यहाँ पे हमको ये वाला डिस्टेंस इक्वल मिलेगा और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। तो हम कंक्लूड कर देंगे कि ये जो चारों वर्टाइसेस है, या वी कैन से ये जो चारों पॉइंट्स जो है वो वर्टाइसेस है किसके, पैलोरोग्राम के। तो आप डिस्टेंस के मदद से भी शो कर सकते हो या स्लोप के मदद से भी शो कर सकते हो, ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसका नेक्स्ट वाला जो है, मतलब जो क्वेश्चन नंबर 12 है, डोंट वरी, हम डिस्टेंस के मदद से ही शो करेंगे। तो चलो इसका नेक्स्ट वन हम लोग करेंगे, दैट इज 12th one। तो चलो अभी हम करेंगे 12th one। तो देखो 12th one क्या है, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस फॉर्म बाय पॉइंट पी क्यू आर एंड एस इज अ रेक्टेंगल। यानी कि हमको क्या शो करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो कैसे शो करेंगे हम लोग कि ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, बहुत ही ईजी है। जैसे कि हमको रेक्टेंगल की एक प्रॉपर्टी पता है कि जो क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो वो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो क्या सिर्फ अपोजिट साइड को इक्वल दिखाने से हम ये बोल सकते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, नहीं, क्योंकि देखो पैलोरोग्राम जो होता है, जो क्वाड्रिलेटरल हमारा क्या होता है, पैलोरोग्राम होता है, तो उसके भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। अगर एक क्वाड्रिलेटरल क्या है, पैलोरोग्राम है, तो एज वी नो कि पैलोरोग्राम के भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो साइड को हमको, यानी कि अपोजिट साइड को इक्वल दिखाने से हम ये नहीं कंक्लूड कर पाएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है, क्योंकि वो क्वाड्रिलेटरल तो पैलोरोग्राम भी होता है, क्योंकि पैलोरोग्राम के भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर हमको क्या दिखाना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रेक्टेंगल है, तो हमको एक और एक चीज़ दिखानी पड़ेगी, और वो एक चीज़ क्या है कि जैसे कि हमको पता है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, है ना। तो हमको यहाँ पे ये जो डायगनल्स है उनको भी क्या करना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा। तो चलो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू निकालेंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू आर निकालेंगे, फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एस निकालेंगे, और फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस पी निकालेंगे। ओके, तो हमको क्या मिलेगा, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू, यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल मिलेगा, और ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इक्वल मिलेगा। और फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे डायगनल्स है उसके भी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये दोनों जो डायगनल्स है वो भी हमको क्या मिलेंगे,
इक्वल मिलेगी। तो फिर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रेक्टेंगल है। सिर्फ अपोजिट साइड को इक्वल दिखाने से हम ये नहीं बोल पाएंगे कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि पैलोरोग्राम जो होता है उसके भी अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। बट यस, अगर हमने क्या दिखाया, उसके डायगनल्स भी इक्वल दिखा दिए, तो हम बोल सकते हैं फिर कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, हमारा रेक्टेंगल है। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो हमको आता ही है, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो देखो पॉइंट पी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स 2, 1, पॉइंट क्यू जो है उसके कोऑर्डिनेट्स है -1, 3, आर के कोऑर्डिनेट्स है -5, -3, एंड एस के जो कोऑर्डिनेट्स है वो है -2, -5। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो ये जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू इज गिवन बाय, हम डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, कोई भी एक पॉइंट जो है, दैट इज पॉइंट पी जो है यहाँ पे, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग x1, y1 मान लेंगे, ये रफ में लिखेंगे, ठीक है, हम लोग पेंसिल से कहीं लिख देंगे। और जो पॉइंट क्यू है उसके कोऑर्डिनेट्स को x2, y2 मान लेंगे। और अभी यहाँ पे सारे वैल्यूज को हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो x2 देखो, x2 क्या है, -1, -x1 क्या है 2, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, प्लस y2 है 3, -y1 क्या है 1, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 1 + 2 होगा 3, एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस है इसलिए -3, -3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 होगा 2 का स्क्वायर। ओके, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, -3 का स्क्वायर क्या होगा, देखो -3 का स्क्वायर मतलब क्या, -3 - -3, एंड विच इज इक्वल टू वॉट, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 - 3 हो जाएगा 9, दैट इज +9। ठीक है, यानी कि 9 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 4 क्या हो जाएगा 13, दैट इज 13, एंड रूट 13 क्या होगा, रूट 13 ही रहेगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू मिला रूट 13, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, अभी हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड आर निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड आर निकालेंगे। तो चलो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है, और ये जो पॉइंट क्यू है उसके कोऑर्डिनेट को x1, y1 मान लिया, और ये जो पॉइंट आर है उसके कोऑर्डिनेट को x2, y2 मान लिया है। ठीक है, सारे वैल्यूज़ को अच्छे से पुट भी कर दिया है हमने, जैसे कि देखो x2 है -5 तो -5 पुट किया, -x1 है -1 इसलिए ब्रैकेट में लिख दिया -1, और ये जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज करके स्क्वायर लगा दिया, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है -3, -y1 क्या है 3, ओके ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। अभी ब्रैकेट ओपन -5, -, हो गया +1, ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, प्लस -, हो गया प्लस, 3 + 3 हो जाएगा 6, ग्रेटर नंबर साइन माइनस, दैट इज -6 का स्क्वायर, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -, तो 5 - 1 होगा 4, ग्रेटर नंबर साइन माइनस इसलिए माइनस, तो -4 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ओके, इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो -4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस 36, तो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 36 क्या हो जाएगा 52। ओके, 52 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 52 निकालेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 52 के प्राइम फैक्टर निकालने पड़ेंगे। तो 52 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे, सबसे पहला प्राइम नंबर है 2, तो 2 के टेबल में 52 जाएगा ना, यस, तो 2 2 होगा 4, 1 बचेगा, 2 6 12, ओके अगेन 2, 2 1 2, 2 3 6, एंड 13 इज अ प्राइम नंबर इसलिए 13 1 13। ठीक है, तो यानी कि हम देखो ये स्क्वायर रूट को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं ये बताती हूँ आपको। तो हम ये क्या कर सकते हैं ना, ये 52 जो है ना उसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 13 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे किसका जोड़ी बन रही है, ये एक 2 की जोड़ी बनी ना, 2 की क्या बनी है, एक जोड़ी बनी। तो अब हम ये जो जिसकी भी जोड़ी बनती है ना उसको हम क्या कर सकते हैं, अभी स्क्वायर रूट के बाहर निकाल सकते हैं।
हमेशा याद रखना हमको जोड़ी बनानी है, ओके, दैट इज पैर बनाने हैं। तो टू का एक पैर बना है, तो अब इसको हम स्क्वायर रूट के बाहर जब निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे, टू लिख देंगे, और फिर स्क्वायर रूट के अंदर क्या बचा, 13 बचा। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 52 जो होगा वो होगा 2√13, दैट इज क्यू आर जो मिला हमको क्या मिला, 2√13। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे। चलो वेरी गुड, अभी आगे हम करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड एस निकालेंगे। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट आर एंड एस। तो चलो यहाँ पे हम लोग अगेन डिस्टेंस फॉर्मूला वगैरह सब लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट को एक्स वन वाई वन, पॉइंट एस के कोऑर्डिनेट को एक्स टू वाई टू हमने मान लिया है, और सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट भी कर दिया है। आई नो आपको ये सब पुट करना आता है, एंड यस आपको सॉल्व करना भी आता है, ओके, बट फिर भी हम करेंगे साथ में। चलो करते हैं, माइनस टू माइनस माइनस हो गया प्लस, फाइव ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन माइनस फाइव, माइनस माइनस हो गया प्लस, थ्री ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, माइनस प्लस होगा माइनस, तो फाइव माइनस टू होगा थ्री, ग्रेटर नंबर साइन प्लस है इसलिए प्लस, तो यानी कि प्लस थ्री का स्क्वायर, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो फाइव माइनस थ्री होगा टू, ग्रेटर नंबर साइन माइनस इसलिए माइनस टू का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे देखो थ्री का स्क्वायर होगा नाइन प्लस माइनस टू का स्क्वायर होगा फोर, तो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ नाइन प्लस फोर क्या होगा, थर्टीन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ थर्टीन, यानी कि आर एस इज इक्वल टू रूट थर्टीन मिला। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर थ्री दे देंगे। नाउ अभी हमको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड पी निकालना है। ठीक है, देखो इसका डिस्टेंस निकाल दिया, इसका डिस्टेंस निकाल दिया है, इसका डिस्टेंस निकाल दिया है। ये रफ फिगर इसलिए बहुत काम आता है, रफ फिगर को कभी भी ड्रॉ करो, पेंसिल से ही ड्रॉ करो, बट ड्रॉ करो, बाद में रफ कर दो। ठीक है, अभी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस एंड पी निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं एस पी, यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है और सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट कर दिया है। ठीक है, सॉल्व करेंगे, टू माइनस माइनस प्लस, टू ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन वन, माइनस माइनस हो गया प्लस, फाइव ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, टू प्लस टू होगा फोर, फोर का स्क्वायर प्लस, वन प्लस फाइव होगा सिक्स, दैट इज सिक्स का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन प्लस सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा 36 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 36, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही मिला था, तो 16 प्लस 36 होता है 52। एंड जैसे कि हमने ये जो रूट 52 को कैसे यहाँ पे सॉल्व किया था, सेम यहाँ पे सॉल्व करना है, वैसे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली आंसर लिख देंगे, दैट इज 2√13। ओके, सेम ऐसे, यानी कि एस पी इज इक्वल टू 2√13, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। तो यानी कि यहाँ पे देखो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी क्यू और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एस आर जो मिला है वो क्या मिला है, सेम मिला है, दैट इज √13, और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू आर एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एस जो मिला है वो सेम मिला है, और वो क्या मिला है, 2√13 एंड 2√13। तो यानी कि अपोजिट साइड्स तो हमको इक्वल मिल गए हैं, लेकिन इससे ये नहीं प्रूव हो जाता कि ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है, नहीं, ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है। अगर हमको ये क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल दिखाना है, इसका मतलब हमें को एक और एक चीज़ दिखानी पड़ेगी, और वो क्या है कि जो हमारा क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल होता है उसके डायगनल्स जो होते हैं ना वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अभी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी आर एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एस निकालना पड़ेगा, और ये दोनों डिस्टेंस जब हमको इक्वल मिलेंगे फिर हम कंक्लूड करेंगे कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, रेक्टेंगल है। ठीक है, तो चलो अभी हम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो अभी हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देंगे, ये है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अभी सारे वैल्यूज को पुट करो, देखो कोई भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स वन वाई वन मान लेने का, कोई भी दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को एक्स टू वाई टू मान लेगा। अब सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट करो, एक्स टू क्या है, माइनस फाइव,
माइनस एक्स वन क्या है 2 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन वाई टू क्या है माइनस 3 माइनस वाई वन क्या है 1 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस हो गया प्लस 5 प्लस 2 होगा 7 ग्रेटर नंबर साइन माइनस यानी कि माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 1 होगा 4 ग्रेटर नंबर साइन माइनस यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 तो मतलब दैट इज इक्वल टू हमारा आंसर क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 16 करेंगे तो हमको मिलेगा 65 ठीक है दैट इज हमारा जो पी आर है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड आर जो मिला वो क्या मिला रूट 65 इसको हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे सॉरी 4 तो हो गया है 5 दे देंगे नाउ लास्ट हमको क्या करना है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्यू एंड एस निकालना है ठीक है तो यहाँ पे अगेन हम लोग क्या करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला सब लिखेंगे और वैल्यूज को अच्छे से पुट करेंगे तो देखो वैल्यूज सब अच्छे से हमने पुट कर लिए हैं अभी इसको सॉल्व करेंगे माइनस 2 माइनस माइनस हो गया प्लस 1 यानी कि माइनस माइनस हो गया प्लस आगे 1 द होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो माइनस माइनस होगा प्लस तो 5 प्लस 3 होगा 8 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस यानी कि माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस प्लस क्या होगा माइनस तो 2 माइनस 1 होगा 1 एंड ग्रेटर नंबर साइन माइनस यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर होगा 64 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 64 दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 65 यानी कि क्यू एस इज इक्वल टू रूट 65 मिला इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 6 ओके अब देखो सबको अभी बहुत अच्छे से हमको लिखना है कि इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था पी क्यू आर एस इसमें हमको क्या मिला देखो मैं एक बार अच्छे से बताती हूँ फ्रॉम मैं यहाँ पे सारे इक्वेशन को लिख देती हूँ हमको क्या क्या मिला है ठीक है तो यहाँ पे देखो हमारे पास अच्छा खासा भी फिगर भी है और हमको क्या क्या मिला है इक्वेशन से वो भी हम लोग ने लिख दिया है अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 हमको क्या मिला ये जो पी क्यू है दैट इज इक्वल टू व्हाट आर एस ओके और फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 हमको क्या मिला क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट एस पी और फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 हमको क्या मिला पी आर इज इक्वल टू क्यू एस बरोबर तो यानी कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है उसके अपोजिट साइड्स क्या है इक्वल है और उसके डायगनल्स क्या है इक्वल है इसका मतलब वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है हमारा रेक्टेंगल है क्या है रेक्टेंगल है ठीक है तो यही हम लोग लिखेंगे कि इफ तो देखो लास्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे इफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड डायगनल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल तो वो जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो क्या होता है रेक्टेंगल होता है ओके फिर लिखेंगे देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल और हम ये बोल देंगे कि पॉइंट पी क्यू आर एस जो है वो किसके है वर्टाइसेस है किसके रेक्टेंगल के ठीक है तो ये हमने क्या किया इसको शो कर दिया थोड़ा सा लेंदी था इसलिए जो बोर्ड में है वो करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा जो बोर्ड है वो बहुत ही छोटा है इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड में नहीं हो पा रहे हैं उसको मैं बुक में कर रही हूँ ओके उसके लिए बहुत सॉरी आई नो आपको बोर्ड में ज़्यादा अच्छा लगता है देखना लेकिन उसके लिए रियली रियली सॉरी एक दिन बोर्ड जब हमारा बड़ा हो जाएगा फिर हम सारे क्वेश्चंस को बोर्ड में ही सॉल्व करेंगे ठीक है तो इसको नोट डाउन कर लो और आज के लिए बस इतना ही हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय एंड टेक केयर